अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे इनडिज़ाइन में पैराग्राफ स्टाइल को। इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पैराग्राफ स्टाइल आ जाता है। अगर नहीं आ रहा यहाँ पे तो विंडो मेन्यू के ऊपर क्लिक करके स्टाइल के अंदर आकर पैराग्राफ स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लें। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे करेक्टर स्टाइल है। करेक्टर स्टाइल के अंदर हम एक करेक्टर को स्टाइल दे सकते हैं फॉन्ट के हवाले से, फॉन्ट के स्टाइल के हवाले से, और करेक्टर और पैराग्राफ के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही काम करेगा यहाँ पे पैराग्राफ। आप पैराग्राफ स्टाइल बना कर रख लें तो बाद में आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जानेंगे इसी के बारे में। एक तरीका तो यह है कि अगर आप इस तरह कोई टेक्स्ट टूल अप्लाई कर लेते हैं इसको, और इस पैराग्राफ के अंदर आकर इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये न्यू पैराग्राफ बना लेंगे। इसके बाद इस फ्लाई आउट बटन के ऊपर क्लिक करें तब भी बना लेंगे, और इसके बाद इस बटन के ऊपर क्लिक कर लें तब भी बना पाएंगे। सो, यहाँ पे मैं इसे पहले हाईलाइट करता हूँ। इसको मैं हेडिंग के तौर पर स्टाइल देना चाहता हूँ पैराग्राफ के अंदर। तो करेक्टर के अंदर जाकर मैं इसका पहले फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। कोई भी फॉन्ट रख लेते हैं यहाँ पर जो हेडिंग के तौर पर हो, ये रख लेता हूँ। ठीक है जी, काफ़ी बोल्ड सा नज़र आ रहा मुझे। और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह, और यहाँ से इटैलिक बोल्ड कर लेता हूँ। ये हो गया जी इसके अंदर स्टाइल। इसी तरह मैं इस पैराग्राफ के अंदर आकर यहाँ पे स्पेस आफ्टर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए। इंटर करके नहीं करना बल्कि इसकी मदद से कर लें। ये देखें जी, लाइनें थोड़ी नीचे आ जाएंगी, टाइम पॉइंट पर मैंने रखा है। और उसके बाद जी इस फ्लाइट बटन के ऊपर क्लिक करके इस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये न्यू पैराग्राफ स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, इसको भी देखेंगे वन बाय वन करके। इनमें से कुछ होंगे जो हम देखेंगे, बाकी आप ख़ुद भी कर सकते हैं। सो, यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ मैं से, मैं रख लेता हूँ माई स्टाइल। ठीक है जी, ये और बेस कोई नहीं रखना चाहता मैं क्योंकि मुझे न्यू चाहिए, और शॉर्टकट की भी यहाँ पे रख सकते हैं। अप्लाई टू सिलेक्शन यानी जिस जो आपने सेलेक्ट किया हो उसके ऊपर जो स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो, और यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ। सो, ये बन चुका है मेरे पास अब एक स्टाइल यहाँ पे। सो, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पॉइंट के आगे यानी इन टेक्स्ट के आगे। ये फिलहाल डमी टैक्स हैं, आपके जो टैक्स होंगे वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें जो मैंने यहाँ पे स्पेस आफ्टर रखा था, जो फॉन्ट रखा था वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो स्टाइल को अप्लाई कर देंगे तो पूरे इस पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर अप्लाई हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये एंड हो चुका है, और अंडू करता हूँ। और यहाँ पर रखा था मैंने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैरा हुआ है, तो ये समझ जाता है इनडिज़ाइन के पैरा इतना है। यहाँ पे रखता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तब भी ये देखें हो जाएगा इस तरह अप्लाई। सो, जहाँ पे पैरा ख़त्म हो रहा हो वहीं पे आप क्लिक करके अप्लाई करें स्टाइल को। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप जो स्टाइल बना लें, ठीक है जी, जो भी आप स्टाइल बना लें उसे आप दोबारा री एडिट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर यूँ आप राइट क्लिक करके एडिट स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लें तो उसे दोबारा क्या कर पाएंगे, यहाँ से रीनेम कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं करेक्टर फॉर्मेट जो है वो जो फॉन्ट था वो चेंज करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। चलें इस बार मैं इस एरियल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ उसके अंदर जो कलर है वो चेंज हो जाए तो यहाँ पर करेक्टर के अंदर कलर चेंज कर पाऊँगा। चले मैं यहाँ पे ये कलर रख लेता हूँ तो ये देखें जो हेडिंग है उसके अंदर कलर चेंज हो रहा है जो मैंने सेलेक्ट करके उसे स्टाइल दिया था। इसके अलावा अगर आप उसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करके उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका वेट बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह, और ओवर प्रिंट जैसे ऑप्शन है, और ये वही ऑप्शन है जो हम एलिस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरी एलिस्ट्रेटर की क्लास देख रहे हैं तो उसके अंदर भी ये वही ऑप्शन है, अक्सर सॉफ्टवेयर के अंदर ये मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो इसे मैं फिल वक्त कर दूंगा यहाँ पे नन,
और इसको सामने ले आता हूँ। यहाँ पे टिन का मतलब है कलर को थोड़ा फीका करना हो तो वो कर सकते हैं। आसान आसान ज़बान में कह रहा हूँ ये देखें, थोड़ा फीका पड़ जाएगा इस तरह, ये देखें और पड़ जाएगा। सो मैं यहाँ पे इसे क्या कर देता हूँ, फुली आप कर दूँगा सिर्फ ओके। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखें अपडेट हो चुका है। आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे या जितने भी आपके पैराग्राफ होंगे, जहाँ जहाँ पे आपने ये स्टाइल अप्लाई होगा किया होगा वहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। पहले कोई फॉन्ट रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एरियल लिख लेते हैं। ठीक है जी, एरियल ये आ चुका है। चलें ये रख लेते हैं एरियल इटालिक, यहाँ पे ये नैरो रख लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसका साइज़ मैं यही रहने देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लीडिंग इस्तेमाल कर लूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें लीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई, इस तरह थोड़ी बढ़ा लेते हैं ये। ठीक है जी, ये हो चुकी है। और यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और मज़ीद आप इसके अंदर कोई भी यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं आप। मैं यहाँ पे सब नाज़रीन मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूँगा एक और स्टाइल के अंदर। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और स्टाइल वन नाम लिख लेता हूँ मैं। इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे ये और सेव कर दूँगा। ओके जी, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टाइल वन के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये देखें वही स्टाइल और वही फॉन्ट और जैसी लीडिंग मैंने वहाँ पर रखी थी बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी आ चुकी है। मज़ीद आप इसके अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं जैसे ड्रॉप कैप है वो भी आप लगा सकते हैं। चलें इसको मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा रीडिट कर देते हैं या फिर इसे एक नया स्टाइल और बना लेता हूँ या इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसका नाम यही रख देता हूँ और बेस जो है वो मैं अब रखूँगा स्टाइल वन को। और यहाँ पर रख लेते हैं जी ड्रॉप कैप, एक बढ़ा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह। चलें एक और चेक कर देते हैं, ये देखें ड्रॉप कैप इस तरह बना पाएंगे आप। और इसे मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है जी, और इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसके ऊपर जो कॉपी वन है ये पैरा यहाँ पे शुरू होता था तो ये देखें इसके अंदर इस तरह ये ड्रॉप कैप आ चुका है। मज़ीद इसके ऊपर यूँ देखें एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट डिलीट अप्लाई और कॉपी और न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और मज़ीद अगर आप यहाँ पे फ्लाई आउट बटन के ऊपर क्लिक करें तो न्यू बनाने का डुप्लीकेट डिलीट रीडिफाइन करना हो स्टाइल ऑप्शन, ये वही ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद इस फ्लाई आउट बटन के ऊपर देखें और तो बहुत सारे बटन हैं ये इन पैनल को शो करने के लिए, यानी ये जो आइकन है पीछे लास्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर ये आइकन है जो यहाँ पर स्माइल पैनल रहो और पोर्ट कर सकते हैं, ये दीगर ऑप्शन जो दिए गए हैं इनको आप देख सकते हैं। लिंक ब्रेक कर सकते हैं जैसे हम करेक्टर स्टाइल के अंदर देख चुके हैं, लिंक ब्रेक कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, जो नहीं इस्तेमाल हो रहे आपके वो उनको अनयूज को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट ऑल कर सकते हैं, न्यू स्टाइल ग्रुप बनाकर उसके अंदर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। सो आप जानेंगे इस स्टाइल ऑप्शन के हवाले से, पहला है जनरल जिसके अंदर हम ये यहाँ पे स्टाइल की सेटिंग के हवाले से कुछ ऑप्शन देख सकते हैं। और इसके अलावा इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ ये जो मैंने बनाया था और जानेंगे बस इन ऑप्शन के हवाले से। ये जो ऑप्शन है इसके अंदर ये बेसिक करेक्टर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यानी रीएडिट करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। वही ऑप्शन है जो हम देखते आ रहे हैं तकरीबन, करेक्टर पैनल जो है उसके अंदर ये मिल जाते हैं, करेक्टर स्टाइल नहीं बल्कि करेक्टर पैनल के अंदर आपको मिलेंगे। इसी तरह एडवांस फॉर्मेट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का स्केल करना हो, इंटेंडिंग और स्पेसिंग के हवाले से कुछ ऑप्शन, टैब्स के हवाले से ऑप्शन है, इसी तरह पैराग्राफ पैराग्राफ बॉर्डर और रूलर के हवाले से भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, इतनी इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाइफनेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कीप ऑप्शन जो है जो रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल और नेस्टेड जो क्लासेस होती हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बुलेट और नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ओपन फीचर जो होते हैं ओपन टाइप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरलाइन ऑप्शन है बहुत सारे,
इसकी यहाँ पे चेक करें तो ये देखें स्टाइल मिल जाएंगे आपको। टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखें यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू बिल्कुल सेम ऑप्शन है अंडरलाइन की तरह। ये देखें यहाँ पे वेट ऑफसेट उसकी कैसी होनी चाहिए वो, उसके बाद कलर का गैप कैसा होना चाहिए, टाइप कैसी होनी चाहिए। स्ट्राइक थ्रू ये होता है कि टेक्स्ट के ऊपर दो लाइनें लग जाती हैं, तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर मैं वन बाय वन करके दिखाना शुरू करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, सो आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। सो नाज़रीन ये थी आज की क्लास, इसके अंदर हमने सीखा स्टाइल कैसे बनाते हैं और बनाकर उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने यहाँ पे जाना। सो इस स्टाइल को मैंने क्या करना है, इसके ऊपर वन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये देखें उसके अंदर जो हाई ड्रॉप कैप था वो यहाँ पे चला गया है। ठीक है जी, अगर आप इसे दोबारा करना चाहते हैं रीडिट तो इसके ऊपर क्लिक करके रीडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुलेट एंड नंबरिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नन के ऊपर बुलेट लिख दें और ये बुलेट है फिल वक्त ये रख लेते हैं स्टाइल के अंदर यहाँ पे ये, और ओके कर देता हूँ तो ये देखें बुलेट आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे भी। सो इस तरह में नाज़रीन आप कर सकते हैं, ये था स्टाइल वन और ये था स्टाइल वन की कॉपी। ठीक है जी, ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। मतलब अगर मैं इस स्टाइल वन यानी स्टाइल वन जो है या फिर ये जो स्टाइल वन कॉपी है ये चाइल्ड है और ये जो स्टाइल वन है ये पेरेंट है। ठीक है, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, यानी इसके अंदर काम हो तो इसके अंदर भी नज़र आता है या फिर इसके अंदर हो तो इसके अंदर भी नज़र आता है। सो इस तरह ये थोड़ी बहुत चेंज आते हैं इसके अंदर। सो इस तरह नाज़रीन आप बनाकर स्टाइल सेव कर लें और उसके बाद अप्लाई कर लें और जो स्टाइल ऑप्शन हैं उनको भी आप अप्लाई करके रख सकते हैं। ठीक है जी, और इनके अंदर जो स्टाइल है वो इस तरह आप ख़त्म भी कर सकते हैं बेसिक के ऊपर क्लिक करके, इस तरह ये बेसिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें पैराग्राफ बेसिक के अंदर आ चुका है, यानी सारा सेलेक्ट कर लें इस तरह तो ये बेसिक में आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर मैं माई स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये सारा सेलेक्ट था इसलिए ये उसी कलर के अंदर आ चुका है। ठीक है जी, और अंडू करता हूँ मैं यहाँ पे एक मरतबा और वापस ये देखें यहाँ पे रखूँगा तो ये स्टाइल वन उसी तरह है, और ये देखें फिर से स्टाइल वन ये, और इस पैरे को सेलेक्ट रखते हुए इस स्टाइल वन के ऊपर क्लिक कर दूँ तो कुछ इस तरह आएगा क्योंकि इसके अंदर बुलेट और नंबरिंग थी। ठीक है जी, और अंडू करता हूँ और वापस ये देखें स्टाइल वन कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके अंदर बुलेट भी था और क्या था इसके अंदर ये ड्रॉप कैप था, क्योंकि मैंने स्टाइल वन के अंदर क्या रखा था सिर्फ बुलेट और स्टाइल वन के जो कॉपी थी उसके अंदर ड्रॉप कैप भी है और बुलेट भी है। सो ये दोनों आपस में लिंक है तो इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये वो वैसे ही हेडिंग टाइप सा बना देगा, तो यहाँ पे बेसिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो उसी तरह आ जाएगा। सो नाज़रीन ये थी आज की क्लास, इसके अंदर हमने पैराग्राफ स्टाइल्स के हवाले सीखा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।